और इस बीच बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से छात्र छात्राओं का प्रदर्शन शुरू होने की खबर मिल रही है। और इस बीच जो खबर सामने आ रही है कि कई छात्र छात्राओं ने अपना सिर मुंडवा लिया है, तो सिर मुंडवाकर छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है, छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएचयू में एक बार फिर से छात्र छात्राओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर वाराणसी के मंडलायुक्त नितिन रमेश गोकर्ण ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी थी, और इस रिपोर्ट में गोकर्ण ने बीएचयू प्रशासन को हिंसा के लिए जिम्मेदार भी बताया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में एक बार फिर से छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बवाल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, स्थिति तनावपूर्ण संघर्षपूर्ण बनी हुई है, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। तो शनिवार को जिस तरह से प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार प्रदर्शन का दौर चल रहा है, बवाल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। श्रीकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीकांत, एक बार फिर से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं, बवाल बढ़ सकता है, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है इस बीच? जी बता दूं आपको कि उनका मतलब छात्रों का ये कहना था कि कॉलेज बंद होने से या इससे समाधान का हल नहीं निकल जाता है, जब तक बड़े अधिकारी नहीं सस्पेंड होते हैं, उनकी उनकी मांग जांच नहीं पूरी की जाती है, तब तक ये छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करने से या जांच का हवाला देने से इससे काम नहीं चलेगा। इस तरह से जो है छात्र जो है अपनी बातों को किसी न किसी माध्यम से रख रहे हैं। जी, क्या स्थिति है, क्योंकि किसी बवाल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता श्रीकांत, तो किस तरह से वहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही है ताकि स्थिति और भी तनावपूर्ण ना हो? नहीं, पुलिस जो है अपनी व्यवस्था में जो है कई गाड़ियां जो पुलिस के यहाँ लगाई गई हैं, जिसके चलते जो है इस तरह घटना होने की संभावना नहीं है, लेकिन छात्र जो है अपने तरीके से किसी प्रकार का हवा देने के लिए अपना अपना रुख अपना सकते हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पुलिस की गाड़ियां जो यहाँ तक पूरा व्यवस्था टाइट है, इस तरह कोई घटना का संबंध नहीं है। अधिकारियां भी दौड़ा मार रहे हैं, किसी मस्जिद दौड़ा मार रहे हैं, तो सब लोग पूरी गाड़ियां जो है जांच में लगी हुई है। शुक्रिया श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से छात्र छात्राएं सिर मुंडवाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, बवाल होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है, प्रशासन स्थिति पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। तो बीएचयू में एक बार फिर से छात्राओं का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, सिर मुंडवाकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो छात्राओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज पर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।